इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लिकोरिया या सफ़ेद पानी क्या होता है, इसके क्या कॉजेज होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं और डॉक्टर्स इसमें आपको क्या ट्रीटमेंट देते हैं और ऐसे कौन से टिप्स हैं जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको सफ़ेद पानी या लिकोरिया की समस्या नहीं होगी। हेलो फ्रेंड्स, सोनम क्लिनिक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आयशा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले जानते हैं कि लिकोरिया होता क्या है। जब भी किसी महिला के वजाइना से एक्सेस अमाउंट में पीला या सफ़ेद म्यूकस रिलीज होता है एक्सेस अमाउंट में, तो उसको हम लिकोरिया बोलते हैं। लिकोरिया कोई बीमारी नहीं है या एक संकेत है जो बॉडी आपको देती है कि आपकी बॉडी में भाई कुछ इन्फेक्शन या आपको डिसीज़ है या होने वाली है। अब बात करेंगे कि लिकोरिया या सफ़ेद पानी होने के क्या कॉजेज या क्या कारण होते हैं। जब भी आपको फंगल, बैक्टीरियल या ईस्ट इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से आपको सफ़ेद पानी की समस्या हो सकती है। कोई भी एसटीडी यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटिंग डिसीज़ होने की वजह से आपको सफ़ेद पानी की समस्या हो सकती है। आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम होने से इसकी प्रॉब्लम हो सकती है या आपको पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ यानी PID है तो भी आपको लिकोरिया की समस्या हो सकती है। अब जानेंगे कि आपको लिकोरिया होने पर क्या क्या सिम्टम्स या क्या लक्षण होते हैं। लिकोरिया होने पर आपको एनीमिया यानी खून की कमी हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज हो सकता है, कभी कभी आपको पॉलीयूरिया यानी बार बार पेशाब आएगी, आपके पेट में बहुत ज़्यादा हैवीनेस रह सकता है, आपको जनरल वीकनेस यानी बॉडी में बहुत थकान होगी क्योंकि कैल्शियम का लॉस हो जाता है, आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी मासिक धर्म में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, आपको भूख कम लग सकती है, आपको इनडाइजेशन यानी अपच की समस्या हो सकती है, आपका सर दर्द कर सकता है। इवन सीवियर केसेस में यानी बहुत ज़्यादा सफ़ेद पानी की समस्या होने पे कई बार आपको ब्रीथलेसनेस यानी सांस लेने में भी समस्या हो सकती है। तो चलिए अब जानते हैं कि इसमें आपको क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो ट्रीटमेंट यानी इलाज में आपको तीन तरह की दवाइयाँ दी जाती हैं, पहली एंटीबायोटिक्स, दूसरी एंटीफंगल और तीसरी सपोर्टिव मेडिसिन। तो चलिए पहले जानते हैं एंटीबायोटिक्स के बारे में। इसमें हमेशा आपको दो तरह की एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, जिसमें से मेट्रोनिडाजॉल 400 mg ये आपको दी जाती है, साथ में डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg और सिफेक्सिम 200 mg में ऑप्शन होता है कि या तो आप डॉक्सी दे दें या सिफेक्सिम दे दें। प्रेगनेंसी के केसेस में आपको डॉक्सी देनी चाहिए, वो ज़्यादा सेफ मानी जाती है। तो एंटीबायोटिक्स के केस में एक फ्लेजाइल 400 जिसमें मेट्रोनिडाजॉल होता है, ये सुबह शाम चलेगी 7 से 14 दिनों के लिए, डिपेंडिंग कि आपको पेशेंट को कितनी समस्या है। साथ में डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg सुबह शाम 7 से 14 दिनों के लिए या सिफेक्सिम 200 mg सुबह शाम 7 से 14 दिनों के लिए। डॉक्सी और सिफेक्सिम में से आप एक देंगे। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे एंटीफंगल मेडिसिन के बारे में, जिसमें से दो ड्रग यूज़ किए जाते हैं। पहला है फ्लूकोनाजॉल 150 mg और दूसरा है क्लोट्रिमाजॉल। फ्लूकोनाजॉल 150 mg जो कि फ्लू का 150 mg के नाम से आ सकते हैं, आप देख सकते हैं, इसको आप पहले, तीसरे और पांचवें दिन मतलब हफ्ते में अगर आप शुरू करेंगे तो एक मंडे को, एक वेनेसडे को और एक फ्राइडे को आप शाम को सोते वक्त लेंगे। साथ में क्लोट्रिमाजॉल वजाइनल टेबलेट्स होती हैं, ये सपोजिटरी टेबलेट्स होती हैं, ये कैंडिड सेल के नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगी। ये आपको सोते वक्त अपनी वजाइना में इंसर्ट करके छोड़ देनी है और ये आपको हफ्ते में 3 दिन करना है। तो अब हम बात करेंगे सपोर्टिव मेडिसिन के बारे में कि सपोर्टिव मेडिसिन के तौर पे आपको क्या दिया जाता है। ज़्यादा ल्यूकोरिया या वाइट डिस्चार्ज होने पे आपकी बॉडी में जनरल वीकनेस यानी सामान्यता कमज़ोरी आ जाती है, तो उस वीकनेस को दूर करने के लिए आपको कैल्शियम की टेबलेट दी जाती है, जैसा आप देख सकते हैं शिपकॉल 500 जिसमें कैल्शियम है वाइटमिन D3 के साथ, वो आपको 1 महीने तक दी जा सकती है दिन में एक बार। साथ में एक मल्टीविटामिन बीकासूल एक अच्छा ऑप्शन होता है क्योंकि इसमें बी कॉम्प्लेक्स होता है विटामिन सी के साथ जो आपकी इम्यूनिटी को भी इंक्रीज़ करता है, तो ये भी आपको 20 से 30 दिन तक महीने भर के लिए दी जा सकती है दिन में एक बार। ज़रूरत पड़ने पे अगर आपकी कंडीशंस देखने पे डॉक्टर को लगता है कि आपकी बॉडी में फॉलिक एसिड की नीड है तो डॉक्टर्स आपको फॉलिक एसिड की टेबलेट भी प्रिफर करते हैं, बट इट डिपेंड्स टोटली ऑन पेशेंट कंडीशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से प्रिकॉशंस हैं जो आपको लेने चाहिए जिससे कि आपको लिकोरिया या सफ़ेद पानी होने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाएं। आपको हमेशा कॉटन के ब्रीथेबल अंडरगारमेंट्स पहनने चाहिए, आपको कभी भी बहुत ज़्यादा टाइट क्लॉथिंग यानी कपड़े नहीं पहनने चाहिए। साथ में आपको जब भी आप कोई गीला कपड़ा पहनते हैं, आपको लग रहा है वो गीला है, तो उसको तुरंत चेंज करें। आपके प्राइवेट पार्ट्स में आप कोई भी सेंटेड या बाथ प्रोडक्ट्स का यूज़ ना करें। साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखें, अपने अंडरगारमेंट्स को धूप में सुखाएं।
अगर आपको डायबिटीज़ की समस्या है तो टाइम टू टाइम आप अपना डायबिटीज़ या शुगर लेवल चेक करते रहें, अपने खाने पीने सोने और एक्सरसाइज का पूरा ध्यान रखें। तो दिस वॉज ऑल फॉर द टुडेज वीडियो। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।